सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोटर आईडी अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते रहिए। सिंपली हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन और सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। हमने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा, तो सिंपली हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ साइड में हमें एक्सप्लोर का ऑप्शन एक दिख रहा है, उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और ऊपर गेस्ट यूजर में लॉगिन करेंगे। अगर आप पहले नए यूजर हैं तो यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमने आईडी पहले से बना रखी है, तो सिंपली लॉगिन करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगी, उसको हमें यहाँ डालना है। तो चलिए हम इंतज़ार कर लेते हैं, ओटीपी आ चुकी है। उसके बाद हमें पासवर्ड डालना होगा यहाँ पे, तो चलिए हम फटाफट पासवर्ड भी डाल लेते हैं। उसके बाद लॉगिन नाउ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद वोटर रजिस्ट्रेशन पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाला जो इंडिया का ऑप्शन है उस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद लिस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमें फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट स्टेट हमें कोई सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। चलिए हम कोई एक स्टेट चूज कर लेते हैं। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ कोई चूज कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे अपलोड वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और गैलरी में से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। चलिए हम कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद नीचे एज डिक्लेरेशन फॉर्म हमें अपलोड करना है। वीडियो के लास्ट में मैं इस फॉर्म को डाउनलोड करने का तरीका आपको बता दूंगा। तो चलिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सिंपली हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमें प्रोफाइल पिक्चर अपना फ़ोटो अपलोड करना है, इसका साइज 200 KB के अंदर होना चाहिए। चलिए इसको भी हम अपलोड करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हो आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर नेम सही सही डालेंगे। उसके नीचे हिंदी ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें मोबाइल नंबर हमारा पहले से ही रहेगा, ईमेल आईडी डाल देंगे नीचे। चलिए हम कोई एक ईमेल आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ नीचे अदर वाले ऑप्शन पे टिक मार करना है और सिंपली नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव में फादर या हस्बैंड का नाम जो भी हो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव का आईपी नंबर हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। रिलेशन टाइप में फादर या मदर जो भी हो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। इंटरियर करेक्ट एड्रेस, हाउस नंबर अगर है तो हाउस नंबर डालिए। स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी में आप अपने एरिया का नाम दे सकते हैं। चलिए हम कोई एक एरिया का नाम डाल देते हैं। उसके बाद नीचे हमें विलेज टाउन का नाम देना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके नीचे हमें पोस्ट ऑफिस का अपने नाम देना है, तो चलिए हम पोस्ट ऑफिस को ही डाल देते हैं। उसके बाद पिन कोड हमें डालना होगा अपने एरिया का, तो चलिए हम पिन कोड डाल देते हैं। उसके नीचे एरिया टाइप में आप सिटी से हैं, टाउन से हैं, विलेज से हैं, जो भी है वो अपने हिसाब से आप डाल लीजिए। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक फिल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम अपना चूज करेंगे।
चलिए हम कोई एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं, उसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आपका जो असेंबली लगता हो उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। चलिए हम कोई एक चूज कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड आपको नहीं मिलेगा, तो सिंपली लास्ट में एक ऑप्शन है अदर्स का, उस पर आप चूज करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद नीचे हमें नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऊपर जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं वो डेट डालनी होगी, और नीचे नेम ऑफ एप्लीकेंट में एप्लीकेंट का नाम डालना होगा, और प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं, और उसके बाद सिंपली डन पे ओके कर देना है। चलिए हम डन पे ओके कर देते हैं। उसके बाद फॉर्म 6 का प्रीव्यू आ जाएगा आपके सामने, इसको आपको सही से चेक कर लेना है। उसके बाद सिंपली हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने रेफरेंस नंबर, उस रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के कहीं पे लिख के या कॉपी करके रख लेना है। सिंपली हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च बार में लिखेंगे वोटर आईडी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सिंपली सर्च कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे फॉर्म 6 एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे 6 नंबर पे वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। और उसको आप फिल करके अपलोड कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों बड़े ही आसानी से आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से वोटर आईडी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी।